हमारे भारत में रोड और हाईवे और एक्सप्रेसवे निर्माण का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अमूमन जितने भी बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे भारत में निर्माणाधीन हैं वो सब अपनी तय समय सीमा से पहले ही बनके तैयार हो रहे हैं और यही कारण है कि 3 अप्रैल 2021 को भारत का रोड बनाने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। मतलब विश्व में अगर सबसे तेज़ी के साथ कोई रोड बना है तो वो भारत के अंदर बना है और वास्तव में इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी को जाता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक एक्सप्रेसवे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी तय समय सीमा से पहले ही बनके तैयार हो चुका है। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है और जिसके बनने से शायद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे भारत में चल रहे डेवलपमेंट के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ से एक और एक्सप्रेसवे बनाने की परियोजना की तैयारी 2018 से ही शुरू कर दी थी। यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से होते हुए पूर्वी क्षेत्रों से जुड़ा होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र न सिर्फ प्रदेश के अन्य शहरों से जुड़ जाएंगे बल्कि 165 किलोमीटर लंबे आगरा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली से भी जुड़ जाएंगे। यह योजना 341 किलोमीटर लंबी और 6 लेन की है, भविष्य में जिसको बढ़ाकर 8 लेन तक किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा तो इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की मदद से पूर्वांचल के शहरों से ट्रांसपोर्ट में काफी हद तक सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने के कारण यह ईंधन बचत, समय बचत और प्रदूषण नियंत्रण में भी कारगर साबित होगा और इसके साथ ही दुर्घटनाएं होने के आसार भी काफी कम हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित होने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही कृषि, वाणिज्य और पर्यटन अन्य औद्योगिक विकास को भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा। एक्सप्रेसवे के नज़दीक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, नए शहर और विभिन्न वाणिज्य केंद्रों को स्थापित किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। क्षेत्र के कृषि विकास, वाणिज्य विकास, पर्यटन और औद्योगिक विकास में एक्सप्रेसवे का निर्माण मील का पत्थर साबित होगा। प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मौजूदा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाने के फलस्वरूप यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचली शहरों के औद्योगिक विकास का प्रवेश द्वार साबित होगा जिससे पश्चिमी शहरों से ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना से जुड़े शहर और गांव का सर्वांगीण विकास होगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले जनपदों की तो आपको बता दें इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जैसे जनपद सम्मिलित हैं। इन सारे बड़े जनपद के अलावा हजारों ऐसे गांव हैं जो इस एक्सप्रेसवे के प्रभाव से विकास की ओर तेजी से दौड़ेंगे। वैसे इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर हर एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल्स एक्सप्रेसवे और इनके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कंपनीज को इनवाइट किया है जिससे यहां आकर वो अपने ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगा सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इन एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग पॉइंट्स के अलावा एयर स्ट्रिप का भी निर्माण किया जा रहा है जिससे इमरजेंसी के वक्त कोई भी विमान यहाँ पर आसानी से उतारा जा सके। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप पूरी तरह बनके तैयार है। इस 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप के साथ ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने वाला देश का पहला प्रदेश बन चुका है। इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह स्ट्रिप सुल्तानपुर जिले के कुरेभार गांव के पास बनके तैयार हुई है। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे में आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 22,494.66 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ है और इस पूरे एक्सप्रेसवे को 8 पैकेजेस में बनाकर तैयार किया गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे अपनी समय सीमा से पहले ही बनके तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि वैसे यह एक्सप्रेसवे अक्टूबर 2021 तक बनके तैयार होना था लेकिन अब यह एक्सप्रेसवे जुलाई 2021 तक ही बनके तैयार हो जाएगा जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यह था हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास डेवलपमेंट वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको सारा डिटेल, सारी प्रोसेस समझा दी जाएगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।